वीडियो आई विल बी स्टार्टिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री सीरीज। तो ये वाली वीडियो तो बिल्कुल मैं बेसिक रखने वाली हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट है, प्रोजेक्शंस जो है फ्लाइंग वेव्स, सोबर्स, न्यूमैन और फिशर, इन सबके बारे में बताऊंगी। जो बाकी कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स जो होती है जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। दिस इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट वीडियो। और मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने बताई है नेट की स्ट्रेटेजी 2019 के लिए, जून 2019 के लिए। तो उसमें मैंने बोला है कि जिनकी जिनको लगता है कि उनकी ऑर्गेनिक थोड़ी वीक है और वो ज्यादा फोकस करने वाले हैं ऑर्गेनिक और फिजिकल में, मैंने उनको बताया है कि आप ऑर्गेनिक में कुछ ना कुछ तो करके जाओ, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ऑर्गेनिक के, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको मतलब बाकी आपको ऑर्गेनिक की पूरी नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिस्क्रीट टॉपिक्स हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आपको क्या होना चाहिए, अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको एटलीस्ट जो मॉलिक्यूल आपको गिवन है क्वेश्चन उसको विजुलाइज करना तो आना चाहिए। उसमें आप मतलब कैसे इनिसोट्रोपिक प्रोटॉन्स हैं, डायस्टीरोट्रोपिक प्रोटॉन्स हैं, कितने सिग्नल्स आएंगे, यानी मॉलिक्यूल प्लेन में किस तरह से दिखता है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, तो इन सब के लिए आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज तो बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं जो ये वीडियो बनाई है मैंने ये स्पेशली नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ, मैं अभी स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसके अगर कोई क्वेश्चन आएगा इस चीज से बताने के लिए कि जो मॉलिक्यूल्स गिवन है वो आपस में गाइनेंशियोमर्स हैं, डायस्टीरोट्रोप्स हैं, या फिर मतलब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब में भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कैसे करने वाली हूँ, ये तो बिल्कुल बेसिक, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जितने भी तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे बायफिनाइल्स, एलीन्स, इन सब में जो आरएस निकालते हैं वो आरएस नोमेनक्लेचर किस तरह से निकलता है, उस वीडियो में मैं सारे मॉलिक्यूल्स कंप्लीट करा दूंगी। और फिर नेक्स्ट थर्ड वीडियो जो होगी उसमें जो प्रोटॉन्स हैं या फिर जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं कई बार उसमें पूछना रिलेशन क्या है, क्या ये एनिसोट्रोपिक है, डायस्टीरोट्रोपिक है, किस तरह की है। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और सबसे लास्ट वीडियो होगी उसमें नेट के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर और गेट के क्वेश्चंस में सोल्व कराऊंगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा ऑर्गेनिक में कुछ भी देखोगे तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर इस तरह से मतलब हमें मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो सीएचथ्री लगाया हुआ है, ऐसे करके कुछ है, यहाँ पे लगा लो सीएचथ्री ऐसे करके लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूल ड्रो भी करना है, जैसे हम प्रोजेक्शंस को भी कन्वर्ट भी करेंगे फिशर से न्यूमन में या फिर यहाँ से सोवर्स में, ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या बात ध्यान रखनी है। अब देखो, जैसे ना मैं इस कार्बन को नेम कर रही हूँ, नीचे की साइड में तो उसको मैं लिख रही हूँ डाउन, ये क्या है, ऐसे मैं ऐसे बोल रही हूँ ऐसे करके, ये ज़िगज़ैग है, तो यहाँ पे डाउन अप डाउन अप डाउन अप इस तरह से। ठीक है, तो जो ये अप वाली कार्बन है अगर मैं इसको ऐसे ड्रो कर दूं, अब आपको अगर इन दोनों ग्रुप्स इस पे लगाने हैं CH3, तो अगर आप ऐसे लगा देते हो इसको CH3 और यहाँ पे H अगर ऐसे लगा देते हो तो ये गलत है। ठीक है, ये हमेशा इस पे ऐसे ही लगेगा, मतलब ऐसे ड्रॉ करने में अगर ये कार्बन अप है तो इसमें दोनों ग्रुप्स भी अप साइड पे ही आप लगाओगे, ऐसे लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि आपको नहीं दिखाना है। और जिनको स्टीरियोकेमिस्ट्री का बिल्कुल आइडिया नहीं है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर कोई भी दो ग्रुप, जैसे मैं आपसे पूछूंगी CH3 और ये वाला CH3 आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो CH3 ये अबव द प्लेन और ये क्या है बिलो द प्लेन, तो ये आपस में क्या है एंटी ट्रांस भी बोल देते हैं हम, बट इस सारे केस में क्या करते हैं हम सिन और एंटी केस में बात करते हैं। अगर दोनों सेम प्लेन में होते तो होते सिन, और इस सारे केस में क्या है एंटी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, हम स्टार्ट करते हैं। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है कन्फर्मेशन और कॉन्फिग्रेशन। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है क्वेश्चन में ना हमें चार मतलब ऐसे मॉलिक्यूल दिए होते हैं और बताना होता है 1 और 3 आपस में क्या है, अब उसमें कन्फर्मेशंस हैं या फिर इनिस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर इस तरह से, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले ये दो टर्म्स क्लियर होंगे इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो उसके लिए पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, कन्फर्मेशन के लिए मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे ऐसे देखते हैं, मैं आपको टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है सपोज, एक तो ये 3D वाला चैप्टर है, इसको एक्सप्लेन करना इतने इजी तो नहीं, बट मैं फिर भी ट्राई करती हूँ, आई होप आपको थोड़ा समझ आए। जैसे सपोज करो ये है, ये मैंने क्या किया है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनाया है बिल्कुल ऐसे, जैसे ये इसमें H CH3 और ये कार्बन, ये क्या है सेम प्लेन में है, तो इसको मान लो ये H है, ये CH3 है और ये बीच में सेंटर पे कार्बन है। ठीक है, जो ये आगे की साइड है ब्लैक पेन जो है ये क्या है BR, और जो रेड पेन से मैंने जो शो किया है वो बैक साइड पे जा रहा है बोन, और वो क्या है D। ठीक है, तो मैं आपको बोल रही थी कन्फर्मेशन और कॉन्फिग्रेशन का बता रही थी आपको। ठीक है, अगर मैं इसको आपको ऐसे दिखाऊं, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल है, अब आपको मैं ऐसे भी दिखाऊंगी तो मैंने मॉलिक्यूल कुछ भी चेंज नहीं किया ना, बस उसके अलग अलग व्यू है, वो यहां से दिख रहा है, यहां से आपको दिखाऊंगी, किसी भी तरह से अलग अलग तरह से दिखा रही हूँ, बट जो बॉन्ड की कनेक्टिविटी क्या है वो सेम है। जो ये रेड है इसके हाथ में लेफ्ट, अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले ब्लू है फिर रेड है फिर ये है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी कर दूं तो भी आपको ऐसे सेम मिलेगा पैटर्न जो है। ठीक है, तो ये क्या होता है कन्फर्मेशन।
और इस वाले केस में क्या होता है, अगर मुझे कॉन्फिगरेशन दिखानी है तो मैं कोई भी दो बोन ब्रेक करूंगी, जैसे मैंने इसको उठाया, इसको उठाया, ठीक है, इसको अलग पोजिशन में लगा दिया, इसको प्लेन में लेके चली गई मैं, ग्रीन को मैंने बैक साइड पे कर दिया और इसको ब्लू को आगे ले, अब क्या हो गया, मैंने पूरा मॉलिक्यूल ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये होता है कॉन्फिगरेशन। अब इसको हटाते हैं, मैं आपको सिंपल बताती हूँ आपको मॉलिक्यूल में कैसे देखना है। जैसे सपोज करो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में दिया हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसी मॉलिक्यूल का तीन, जैसे देखो, हाँ एक और बात होती है कि सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन पॉसिबल होती है, ठीक है। अगर कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल है, मतलब सिंगल बॉन्ड है किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे एक सिंपल सा मॉलिक्यूल देखते हैं यहाँ पर, ये चलो मान लेते हैं ये वाला मॉलिक्यूल है, तो अगर मैं इस वाले बॉन्ड को पकड़ लूं तो इन तीनों बॉन्ड्स को मैं रोटेट कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इन सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर मैं रोटेशन करते जाती हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या होंगे, कन्फर्मेशन। तो मतलब कन्फर्मेशन में क्या होता है, अगर आपको दो डिफरेंट मॉलिक्यूल दिए हुए, मतलब दो अलग अलग तरह से दिखने वाले दिए हुए, तो हम देखेंगे सिर्फ एक बॉन्ड तो होगा कॉन्स्टेंट और बाकी तीनों की पोजिशन चेंज होगी। कैसे, जैसे सपोज करो यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ H है, इस तरह से मॉलिक्यूल। अब मैंने क्या किया, इसी मॉलिक्यूल को इसको पकड़ के रखा, CH3 को बिल्कुल सेम रखा है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया F, यहाँ कर दिया H, और नाइटी कर देते हैं, यहाँ पे H कर देते हैं। तो अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या ये सेम है क्या ये नहीं है, तो आप कैसे करोगे, आप देखोगे कौन से बॉन्ड्स इनमें कॉन्स्टेंट है। देखो जो CH3 है वो प्लेन में है, यहाँ पे भी CH3 प्लेन में है, ठीक है। डिफरेंट क्या है, देखो H पहले प्लेन में था, अब कहाँ है, H अबव द प्लेन, F क्या था पहले बैक साइड पे था, वो कहां पर आ गया, प्लेन में, और D जो पहले आगे की साइड था, ठीक है, अब वो कहां चला गया, बैक साइड पे। तो क्या हुआ, एक बॉन्ड तो कॉन्स्टेंट है सिर्फ और बाकी तीन की पोजिशन चेंज हो गई है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, जब सिर्फ एक बॉन्ड कांस्टेंट होगा और बाकी के तीन जो बॉन्ड होंगे कार्बन के वो चेंज हो जाएगी इनकी पोजीशन, तो उस वाले केस में उसको क्या बोलेंगे, कन्फर्मेशन, ठीक है। तो आपको रोटेट करके देखने की जरूरत नहीं, बस आप ये देखो कितने बॉन्ड्स कांस्टेंट है, अगर एक बॉन्ड कांस्टेंट है बाकी तीनों की पोजीशन चेंज है तो वो भी कन्फर्मेशन, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही अगर हम कॉन्फिगरेशन के लिए देखते हैं तो इसके लिए भी ऐसे ही मैं आपको मेथड बताती हूँ। जैसे सपोज करो यही मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब मैंने क्या किया है, CH3 को सेम रखा, H को सेम रखा, बस पहले डैश पे D था, मैंने अब डैश पे F कर दिया, और ये है। अब मैं आपको पूछ रही हूं कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है, ये और ये, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है, आप फिर से वही करोगे, आप बॉन्ड्स देखोगे, CH3 पहले प्लेन में है, CH3 अभी भी प्लेन में है, H पहले प्लेन में है, अभी भी प्लेन में है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाले दो बॉन्ड्स सेम है और ये दोनों बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है। तो ऐसे वाले केस में क्या होता है, कॉन्फिगरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है, कॉन्फिगरेशन। और कॉन्फिगरेशन में कैसे पता लगाएंगे, इतना तो हो गया, ये वाली बात तो पक्की है, कॉन्फिगरेशन है। अब कॉन्फिगरेशन कैसे, अगर इसका हम RS नोमेनक्लेचर निकालेंगे तो अगर ये R होगा तो ये S होगा, ठीक है, या फिर अगर ये R है तो ये S होगा, ठीक है। हम नोमेनक्लेचर नेक्स्ट में देखेंगे, बट अब आपको बता रही हूँ कि दोनों कॉन्फिगरेशन है। तो अगर आपको बताना है कौन सी कन्फर्मेशन है, कौन सी कॉन्फिगरेशन, तो बस आप बॉन्ड्स देखो, अगर एक बॉन्ड कॉन्स्टेंट है बाकी तीन डिफरेंट है तो वो है कन्फर्मेशन, दो बॉन्ड्स की पोजिशन सेम है दो के चेंज होगी तो वह क्या है, कॉन्फिगरेशन। बस आप सिर्फ इतना है, देखो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ रोटेट करने की, 3D में इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखो इतने से हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये करवाती हूँ, हाँ अब क्या करेंगे, ऐसे वाली आपको चीजें देखने को मिलेंगी पूरी ऑर्गेनिक में, अगर आप स्टार्ट भी करोगे आगे भी, स्टीरियो के बाद कुछ और चैप्टर पढ़ते हो तो इस तरह से कोई ना कोई मॉलिक्यूल दिख जाएगा, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए उसको, ठीक है। सपोज करो मैं फिशर में दे दिया, लेकिन हमें क्या है, यूज करना है उसको इस रूम में ले जाके, तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, और बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले देखो, हाँ ये वाला जो पोर्शन है फ्लाइंग वेज, ये तो आपको पता है, इस वाले केस में क्या होगा, दो बॉन्ड्स प्लेन में है, एक बैक साइड पे है, एक आगे साइड है, ठीक है, ये तो आपको जनरल मिलेगा अभी, तो क्या है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद देखो सो बॉन्ड्स, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये लिखा तो ऐसे हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में कैसे है, जो मतलब ये वाली कार्बन, मैंने कार्बन वन लिखा, ये कार्बन कार्बन एटम है, यहाँ पर एक ही कार्बन एटम है, क्योंकि एक कार्बन के चार बॉन्ड ही तो रट्टा मार लो, मतलब देखो पता सबको होता है, बट गलती हो जाती है कई बार, एक कार्बन के चार बॉन्ड हमेशा होते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, कई बार कुछ मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, या फिर कई बार सिंगल सिक्वायर होते हैं तो हम कुछ भूल जाते हैं, जैसे कई बार होता है कोई मॉलिक्यूल हमें इस तरह से दे दिया, ऐसे कुछ दे दिया हमने, कि जैसे यहाँ पे इन्होंने
सीएल दे दिया, यहाँ पे लगा दिया बी आर ओ लगा दिया सी एस थ्री। तो भाई पता क्या होता है, इस तरह से हम कुछ काम कर रहे थे हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ इस माइंड को, इस बात को अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लो, कार्बन के चार बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हटाओ अब। हाँ, अब इसको देखो, ये कार्बन आइटम है, इसका पहला बॉन्ड क्या है एफ, एक बॉन्ड है एच, एक सीएल और एक बैक साइड में बॉन्ड जा रहा है, ठीक है। तो ये डी तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअल में कैसा है देखो। अभी ये कार्बन में कार्बन वन यहाँ पर ड्रॉ कर लू अगर, तो इसके बाद ये प्लेन में है एफ, ठीक है। अब देखो ये क्या है, बैक साइड में जा रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं इसको बोलूं ये प्लेन में है, तो ये एक ऐसे है और एक ऐसे है, मतलब ये एक्चुअल में ऐसे है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्लोरीन, ये बैक साइड में जा रहा है एच, सीएल आगे की साइड जा रहा है और इसका एक ये वाला बॉन्ड है जो कि पीछे की साइड जा रहा है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। आपको समझ आया, जो फ्लोरीन है वो ये है, जो बैक साइड में एच है वो ब्लैक से मैंने दिखाया ब्लैक है, जो क्लोरीन है वो ये क्लोरीन है और ये लास्ट वाला बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको हम एक्जैक्टली ऐसा ही होता है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे देखो फ्लोरीन जो है वो प्लेन में है और जो ये एच है ये बैक साइड में जा रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। और ये क्या है, क्लोरीन आगे की साइड आ रहा है, तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे क्लोरीन आगे की साइड है अबव द प्लेन है और लास्ट में पीछे एक बॉन्ड जा रहा है, ठीक है। तो कार्बन चार बॉन्ड हो गए। अब इस वाले कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन है, इस वाले केस में क्या है, अब ये ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो जो ये नीचे वाला बॉन्ड है बी आर, वो प्लेन में है, जो ग्रीन पेन है मैं उसको शो कर रही हूं, ऐसे है ये बी आर है और ये बैक साइड में जा रहा है, तो डी है और एफ जो है आगे की साइड आ रहा है, ठीक है। तो जो प्लेन में है उसको मैं यहां पर लिखूंगी प्लेन में है बी आर, डैश बैक साइड पे जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे इसको डैश लिखेंगे, ये डी और ये एफ आगे की साइड आ रहा है, तो ये एफ। तो ये एक्चुअल में ऐसे है, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज हुई है, बस आपको अगर ऐसे दिख रहा है तो एक्चुअल में आपको उसको ऐसे मानना है, ठीक है। इस तरह से कई बार रिएक्शन में भी आपको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। देखो बैक साइड में है, डैश से लिखेंगे, ये है बैक साइड, ये फ्रंट साइड, बैक साइड फ्रंट साइड, बस जो बैक साइड है उसको डैश पे, फ्रंट है उसको इस पे, ठीक है। वही जो है प्लेन में, इस तरह से करना है। अब अगर हमने जैसे सोहोर्स दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको मैंने एग्जैक्टली इसमें चेंज किया, मैंने बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये कैसे किया है, जो इसके फ्रंट वाले कार्बन होते हैं कार्बन वन, वो इस वाले केस में उसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सोहोर्स में जो फ्रंट वाली कार्बन है न्यूमेन में, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसे इसमें क्या है, फ्लोरिन ऊपर की साइड है, तो यहां क्या करेंगे, फ्लोरिन ऊपर की साइड लगाएंगे, एच ऐसे है तो एच को ऐसे लगाएंगे। और इधर क्या है सीएल, देखो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ जो फ्रंट कार्बन है उसको ऐसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब जो ये बैक वाली कार्बन है ना, उसको ह्यूमन में क्या करते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो जो ये सर्कल बना हुआ है एक्चुअल में जो ये बैक वाली कार्बन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये है फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट किया। अब सर्कल पे क्या है, देखो जैसे जैसे लगा हुआ उसको वैसे लिख दो, बी आर सबसे नीचे है तो बी आर को हम यहां लगाएंगे, डी लेफ्ट साइड पे है देखो लेफ्ट साइड पे लगा देंगे, एफ राइट साइड पे है एफ राइट साइड में लगा देंगे, देखो वही तो मैंने लिखा हुआ है, इसी को इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है सोहोर्स, ये क्या है न्यूमन, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको इन दोनों को इसमें अगर कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, जैसे इसमें दिया हुआ है उसको बिल्कुल वैसे रखेंगे, बस फ्रंट वाली को डॉट से लगाएंगे यहाँ पर, और जो लास्ट वाली ये वाली कार्बन है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसको अगर इसमें करना है तो कैसे करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान से देखो। आई होप आपको समझ आ रहा है, क्योंकि तो 3D में थोड़ा एक्सप्लेन करना टफ है, बट मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ। अगर ना है तो प्लीज मुझे बताना कि कुछ समझ नहीं आ रहा, बस ऐसे ही बोले जाते हैं, तो प्लीज कमेंट कर देना, आई वॉन्ट माइंड, ओके। तो इस वाले केस में क्या है, अगर हमें सोहोर्स को कन्वर्ट करना है फिशर में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह की फॉर्म होनी चाहिए, मतलब दोनों वाई होनी चाहिए, ऐसे आपको वाई जैसे दिख रहा नहीं है। तो इसको अगर हमें सोहोर्स को फिशर में कन्वर्ट करना है, तो इसको पहले हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, दोनों को वाई बनाएंगे, जैसे आप ये तो वाई है बट ये क्या है उल्टा वाई है, तो उसको हम सीधा वाई बनाएंगे पहले, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, मतलब हमें इस तरह से लेके आना है इसको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जो लास्ट वाला है वो तो बिल्कुल वैसे ही है, उसको तो वैसे ले देंगे, क्योंकि इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, जैसा हमें चाहिए वैसा ही है, ठीक है। लेकिन जो फ्रंट वाला है उसके केस में अब हमें क्या करना है, देखो जो ये फ्लोरीन है यहाँ पे डैश डैश लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे डैश डैश लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे डैश डैश ड्रॉ करो, ठीक है। तो जब आपको इस उल्टे वाई को सीधा वाई बनाना हो तो क्या करते हैं, जो ऊपर वाले हैं उसको इस वाले को यहां ले आओ, इसको यहां पर ले आओ, तो फ्लोरीन नीचे आ जाएगा,
ये जो H है उसको यहां ले जाओ, H यहां पर आ जाएगा, जो Cl है उसको यहां ले जाओ, Cl को यहां पर ले जाओ, तो ये हो गया Cl, तो ये इस तरह से बन गया। ठीक है, इजी है। इसको हम बेसिकली हम क्या करें, 180 रोटेट करें, आप चाहो तो इसको पूरा कन्वर्ट करके भी ला सकते हो, बट ये बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, जैसे ही दिया हुआ है इसको डायरेक्ट घुमाओ, मतलब क्या करना है, जो ऊपर है उसको नीचे कर दो, जो इस वाली साइड पे उस साइड ले लो, मतलब मैं तो एरो लगा देती हूँ, जब मुझे सोल्व करना होता है तो मैं ऐसे करती हूँ, जैसे सपोज फ्लोरीन है एच है और सीएल में कुछ नहीं करती, सिर्फ एरो ऐसे लगाती हूँ डैश 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 और फिर कर देती हूँ, इसको यहाँ इसको यहाँ इसको यहाँ। ठीक है, इजी है, ऐसे करेंगे। अब ऐसे बन गया तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कैसे करेंगे, जो ये वाली कार्बन है कार्बन वन, ठीक है, वो उसके नीचे वाली कार्बन है, बस आपको ये ध्यान रखना, बाकी आप कर लो, जो इसकी ये वाली कार्बन है वो उसकी ये वाली कार्बन है वन, ठीक है, मतलब जो उसमें ये वाली कार्बन है उसके नीचे वाली कार्बन है, देखो जैसे मैंने क्या किया, ये इसका क्या मतलब है, एक कार्बन यहां पर है और एक कार्बन यहां पर है, तो जो ये वाली कार्बन है वन और टू, मैं इसको मार्क करती हूँ, तो जो वन वाली कार्बन है वो नीचे है और टू वाली कार्बन है वो ये ऊपर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, और जो ये वाले बॉन्ड्स हैं, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये नीचे वाले हैं, जैसे सबसे पहले वन की बात करते हैं, तो जो नीचे है फ्लोरीन उसको नीचे रख दो, ये क्या है लेफ्ट साइड पर सीएल, तो सीएल को यहाँ पे लेफ्ट साइड पर रख दो, एच राइट साइड पे है, एच को राइट साइड पे कर दो, हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये है ब्रोमीन है ना नीचे वाली साइड, इस पर हम ब्रोमीन लिख दो, ये लेफ्ट साइड पे डी है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे राइट साइड, ठीक है, ऐसे करना है, इजी है। मैं फिर से बताती हूँ, जो अगर ऐसा वाला कुछ दिया हुआ है तो हमें क्या चाहिए, दोनों सीधे वाई चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे आएंगे उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे कार्बन वन कार्बन टू, और जो इसकी वन वाली कार्बन है वो इसके नीचे वाली कार्बन है, ठीक है, वो फिर जैसे है उसको वैसे दे दो, जो फ्लोरीन नीचे वाली साइड है उसको यहाँ पर रखो, मतलब जो ये वाली पोजिशन है इन दोनों की पोजिशन से, नीचे फ्लोरीन ऊपर ब्रोमीन, उसके बाद ये जैसे जैसे ये लेफ्ट साइड पे है लेफ्ट साइड पर दो, राइट साइड पे है राइट साइड पर दो, ऐसे ये लेफ्ट ये राइट, ऐसे करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि ये वाली कार्बन वन इसके नीचे वाली कार्बन यहां से मत चार्ज करना है, लुड़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये वाला, तो ऐसा है। अब ये भी सही बात है, अगर ये ह्यूमन में दिया हुआ है फिश में पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज होने के बजाय हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने से कैसे दिखेगा, जो ये वाली कार्बन उसकी फ्रंट कार्बन है ऐसे, वो पीछे वाली क्या है उल्टा वाई है, तो वही ऐसे जो भी लगा हुआ लगा देंगे, यहाँ पे फ्लोरीन यहाँ एच यहाँ सीएल, ये डाउन ये ब्रोमीन लगाएंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पे डी और एफ, ऐसे बन गया। अब हमें क्या चाहिए, दोनों सीधे वाई चाहिए, ऑलरेडी है, इसको चेंज कर लेंगे, नीचे फ्लोरीन इधर सीएल इधर एच, बस फिर बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे सपोज करो कार्बन, ये डाउन है तो ये अप साइड पे है तो दोनों ऊपर लगे हुए हैं, ये डाउन साइड पे तो दोनों नीचे साइड लगे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इसको मैं आपको बोलती हूँ कि इसको सबसे पहले कन्वर्ट करो इस वाले उसमें, फिर आपको इससे क्या बनाना है, ये फिशर फॉर्म बनाना है इसकी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको पहले इसमें कन्वर्ट करो, बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसको पहले हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या है देखो, प्लेन में दिया हुआ है तो बिल्कुल प्लेन में ड्रॉ करेंगे इसको, यस पहले जो प्लेन वाला पोर्शन है ना उसको प्लेन, जैसे ये वाला पोर्शन है सीएल, जो प्लेन वाला पोर्शन है उसको देख लो, उसको तो हमें चेंज ही नहीं करना है, इसको एक्जैक्टली यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, जो फ्लोरीन नीचे है फ्लोरीन ऊपर है, इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना, ठीक है। अब इस कार्बन की बात करेंगे, इसमें दोनों ऊपर वाले साइड में लगे हुए, तो हम क्या करेंगे ऐसे लगाएंगे, एक बैक साइड पे है, ठीक है। तो बैक साइड का जो डैश वाला होता है वो बैक साइड पे है, और बैक साइड हम कहा लगाते हैं यहाँ पर, ये सीएल एच क्या है फ्रंट साइड पे है, ये वाला ऊपर लगेगा। अब ऐसे देखेंगे, आई जो है बैक साइड पे है तो जो पीछे वाला बॉन्ड है उस पर आई लगाएंगे, डी जो है फ्रंट साइड पे है तो उसको डी लगाएंगे, ठीक है, ऐसे हो गया। अब हमें क्या चाहिए थे, ये तो हो गया हमारे पास सोवर्स प्रोजेक्शन, इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, इस वाले इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, दोनों वाई सीधे होने चाहिए। अब देखो ये वाला वाई तो स्ट्रेट है, ये वाला इसमें गड़बड़ है, इसको हमें करना पड़ेगा सही। इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो इसको तो वैसे का वैसे लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना,
इसके लिए क्या करेंगे, वही फिर से हम इस सेल को नीचे लेके आने ना, सीधा वाई करना है इसको, तो सीएल यहां पर आएगा, डी यहां पर चला जाएगा और आई यहां पर चला जाएगा, ठीक है। तो सीएल को यहां लिखना है, तो ये आ गया सीएल, डी यहां चला जाएगा, आई यहां पर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बन गया दोनों वाई जो है अब स्ट्रेट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत ईजी है। ये वाली कार्बन हमारी वन होती है, ये टू होती है, वन वाले कार्बन को हम नीचे रखते हैं। ये वाली कार्बन हमारी वन है, ये टू है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे की साइड है मैंने आपको क्या बताया, जो फ्लोरीन और क्लोरीन है, ये वन वाली कार्बन है तो फ्लोरीन यहां पर आएगा और सेकंड वाली कार्बन और क्लोरीन यहां पर जाएगा। अब हमें देखना ये लेफ्ट साइड पे है तो क्लोरीन लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे है एच राइट साइड पे, इसके लिए डी लेफ्ट साइड पे है ये, और आई आ गया ये, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इतना काफी है कन्वर्ट करने के लिए, तो बाकी में इतना आपसे ना ये कोई पूछेगा नहीं, इस तरह से कोई नहीं पूछेंगे। बट कई बार क्या होता है, हमें ना ये दे दिया होता है, इस तरह का मान लो कुछ मॉलिक्यूल दिया है, ये दिया है, और एक मॉलिक्यूल दे रहा है इस तरह से कुछ दिया है, पूछ लिया दोनों में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले दोनों को सेम बनाएंगे। जैसे मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे सपोज करो क्वेश्चन है, सपोज करो एक ये वाला पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है, और ये एक पार्ट है और जो बी है वो आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ सपोज, ठीक है। आप ये ए है ये बी है, अब इन दोनों में पूछा हुआ इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखो ऐसे देख के तो नहीं बता सकते क्या रिलेशन है, या तो आप इसको इस फॉर्म में बना लो ताकि हम कंपेयर कर पाए, या फिर बेटर होगा इसको हम इस फॉर्म में बना लें। जितने भी क्वेश्चन करना है ये वाली फॉर्म बेटर होती है कि हम उसको हर उसको फिशर में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें साफ साफ दिखता है कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, कंपेयर करना बहुत ईजी होता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को फिशर में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दवाई है ऑलरेडी, इसको सीधा बनाएंगे, सीधा बनाने के लिए क्या करेंगे, एच नीचे और मैं डायरेक्ट लिख दूँ, और ये आई यहां पर और डी यहां पर, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, ये बी आर है, ये एफ है, ये सी एल है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन गया है। अब जैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, तो क्या करेंगे, ये आ गया और हमें इसको कंपेयर करना है इसके साथ। अब अगर आप देखोगे तो आप क्या देखेगा, एफ सी एल और बी आर, एफ सी एल और बी आर की पोजिशन सेम है, तो इतना पोर्शन तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम है, इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान देना कि मैंने आपको क्या बताया, इन तीनों की यहाँ पे सिर्फ एच सेम है, देखो एच सेम है, एच की पोजीशन इस वाले कार्बन को देखते हैं, इसके साथ चार बोन्ड लगे हुए हैं, एक दो तीन और चार, इसके पास ये वाले जो कार्बन है इसके साथ चार बोन्ड है, एक दो तीन और एक ये चार, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था हम क्या देखेंगे, कन्फर्मेशन है या कॉन्फिग्रेशन है, अगर कॉन्फिग्रेशन हुई तो उसका आर और एस अलग अलग आएगा, ठीक है, और कन्फर्मेशन है तो एक बोन्ड सेम होगा बाकी तीनों की पोजीशन डिफरेंट होगी। अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो दो बोन्ड सेम होंगे और दो की पोजीशन डिफरेंट होगी, ठीक है। तो हम वही देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है, देखो एफ सी एल बी आर, एफ सी एल बी आर, तो मतलब जो ये वाला बोन्ड है तो बिल्कुल सेम है, तो ये वाला सेम हो गया, ये वाला सेम हो गया, एच की पोजीशन यहां पर ये है, यहां पर भी एच की पोजीशन है, तो एच भी सेम हो गया। पोजीशन किसकी चेंज है, आई की और डी की, यहां पर आई लेफ्ट साइड में है और यहां पर आई राइट साइड में है, तो ये दोनों क्या हो गए, दो बोन्ड सेम है, दो बोन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन है, अब कॉन्फ़िगरेशन जब हम निकालेंगे तो एक की आर आएगी एक की एस, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा है तो मैं निकाल के दिखाती हूँ। जैसे सपोज करो इसको मिलेगा वन, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, तो क्या हो गया, ये शुड बी, ये हो गया एस, ठीक है। इसको हम करेंगे तो क्या हो गई, ये वन टू थ्री फोर, ये क्या हो गया आर, तो इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, डिफरेंट, ठीक है। अभी किस तरह के होंगे, इनैंशियोमर्स होंगे या डाइस्टेरोटॉप्स होंगे, किस तरह से होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब हम आर एस निकालना सीख लेंगे, ठीक है। तो
तो इस तरह से हम देखते हैं, अगर आपको दो के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है तो दोनों को पहले हम सेम बनाएंगे, सेम प्रोजेक्शन में लेके जाएंगे और फिर इस तरह से देखेंगे कि दोनों के, अगर सपोज करो यहाँ पर ये होता कि हाँ मैं मान रही हूं कि सपोज करो हमारे पास ये आ जाता डी यहां था, अगर रोटेट करके एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल आ जाता वो क्या होता आइडेंटिकल, और यहां पर अगर ऐसा हो जाता ऐसा कुछ आता आई अगर मान लो इसको कन्वर्ट करके ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बनता होता और हमें इससे कंपेयर करना होता तो हम यहां क्या देखते कि जो ये है इसका सिर्फ ये वाला बॉन्ड कांस्टेंट है, यहाँ पे FClBr FClBr तो ये वाला पोर्शन दोनों में कांस्टेंट है, लेकिन जो बाकी के बॉन्ड्स हैं फिर से सेंड लीजिए मैंने ये H फ्री आई हाँ अब देखते हैं, और जो बाकी के तीनों बॉन्ड्स हैं वो क्या है अब पक्का ठीक है इस वाले केस में क्या है, जो ये तीनों बॉन्ड्स हैं ये I D H इन सबकी पोजिशन देखो यहाँ पर डिफरेंट है ठीक है, अब डिफरेंट पोजीशन होने की वजह से क्या हो गया मतलब ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हुई है, सिर्फ एक बॉन्ड कांस्टेंट है बाकी के तीनों डिफरेंट, तो ये क्या है कंफर्मेशंस, और कंफर्मेशन होने का मतलब क्या है कि दोनों बेसिकली इस चीज तो सेम ही है बस उसको अलग तरह से देख रहे हैं हम, दूसरे किसी डायरेक्शन में देखा जा रहा है, तो कंफर्मेशन का मतलब ये हुआ कि ये दोनों आइडेंटिकल है, और हम कैसे पता लगाएंगे आर एस निकाल के, अगर आप इसका आर एस निकालोगे ना दोनों का सेम आएगा, निकाल के देखते हैं 1 2 3 4 तो ये क्या हो गया एस होना चाहिए बट ये क्या होगा आर, तो ये मैंने कैसे किया आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आर एस किसने निकालती है आर, इसका अगर हम निकालेंगे तो आई को मिलेगा 1, इस वाली कार्बन को मिलेगा 2, डी को मिलेगा 3, इसको मिलेगा 4, तो ये क्या हो जाएगा आर ठीक है, तो ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया, तो ये दोनों क्या है कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन का मतलब मैंने क्या बताया था कि एक ही चीज है बस उसको अलग अलग डायरेक्शन से देखा जा रहा है, सपोज करो मैंने आपको ये सपोज करो ये डस्टर है ठीक है, अब आपको यहां से ऐसा दिख रहा है ये स्ट्रीट, अगर मैं उसको यहां को यहां से देखेगा उसको क्या दिखाएगा सिर्फ इतना सा पोर्शन, मुझे ये अलग तरह से दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दू ठीक है तो मुझे ये मार्क यहाँ पे दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा, तो ये सारी चीजें क्या है ये दोनों सेम ही है बस उसको अलग अलग डायरेक्शन से देखा गया है, तो मैं बोल रही हूँ आपको एग्जाम में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, बस आप देखो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स चेंज हुए हैं, तो यहाँ पे क्या है एक बॉन्ड कॉन्स्टेंट है दोनों केसेस में और बाकी तीनों चेंज हुए हैं, तो तीनों चेंज हुए मतलब वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन है, तो वो क्या है कंफर्मेशन, और अगर दो सेम थे जैसे पहले वाले केस में वो दो डिफरेंट हो गए थे वो क्या है कॉन्फिग्रेशन, दोनों का अगर आरएस निकालेंगे तो डिफरेंट आएगा ठीक है, तो इस वाले वीडियो के लिए इतना काफी है, इतना ही अगर हमें आता होगा तो हम क्वेश्चन कर लेंगे ठीक है, क्वेश्चन मैं करवाऊंगी आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस जो स्टार्ट करेंगे, तो फिलहाल के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में आपको भी सिखाने वाली हूँ आरओएस नोमेनक्लेचर कैसे निकालते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, जैसे बाइफिनाइल्स हैं साइक्लोफेन्स हैं अलीन्स हैं स्पायरो कंपाउंड्स हैं, इन सबके आरएस आपको निकालना सिखाऊंगी एक वीडियो में ठीक है, और ये बिल्कुल ज्यादा नहीं है, सब में सेम रूल अप्लाई होता है ठीक है, तरह तरह से चेंजेस होते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है मतलब समझ भी आया जो मैंने पढ़ाया है ठीक है, तो प्लीज कमेंट करके बताना जरूरी वो समझ आ भी रहे या नहीं ठीक है, ओके थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो में आरएस करेंगे, ऑलराइट थैंक यू।